तो हाय गाइज, कैसे हो आप सब। तो आज के ब्लॉग में आप कुछ इंटरेस्टिंग होने वाला है, देखने के बाद बाद आप लोग कुछ भी सीख भी सकते हैं। तो चलिए आज लैब में प्रिक करके सिखाते हैं आप लोग कि हम लोग कैसे प्रिक करते हैं किसी भी पेशेंट को। तो चलिए ये देख रहे हैं, ये सैनिटाइजर है। और इससे पहले तो आप लोगों को रुई दिखाई दिए, तो रुई को भिंगा लेंगे इस सैनिटाइजर से। और उसके बाद हम हाथ को मतलब उंगली को मतलब साफ़ करेंगे उसी सैनिटाइजर से। और सैनिटाइजर साफ करने के बाद ये देख रहे हैं, ये आप लोग जो मेरे हाथ में सुई के जैसा दिख रहे हैं, इसी से हम लोग प्रिक करते हैं। तो चलिए आज हम हमारे ही मतलब उंगलियों को प्रिक करके दिखाते हैं आप लोगों को कि किस तरह से हम लोग उंगली को प्रिक करने के बाद मतलब ब्लड को निकालते हैं, ब्लड सैंपल को। और सैंपल को कलेक्ट करने के बाद हम किसी भी मतलब जाँच करते हैं। चलिए दिखाते हैं तो कैसे प्रिक करते हैं। ये देखिए सैनिटाइजर से हम रुई को मतलब भिंगा लेते हैं, और भिंगा लेने के बाद रुई को साफ करते हैं इसी रुई से। तो चलिए दिखाते हैं आप लोग को कैसे साफ करते हैं। चलिए बने रहिए हमारे वीडियो में। वीडियो अगर पसंद आए तो वीडियो में एक लाइक कीजिए। देखिए आप लोग देख पा रहे हैं, हम पहले ही इसे रिंग फिंगर से मतलब उंगली को ट्राई करते हैं रिंग फिंगर से ब्लड लेने के लिए। तो चलिए देख रहे हैं, हम रिंग फिंगर को साफ कर लिए हैं। तो साफ करने के बाद हम इसको मतलब प्रिक करेंगे उसी निडल से, मतलब सुई से, जिस तरह सुई से को आप लोग को दिखाया है उसे बिना जैसा सुई खुद से, तो उसी सुई से हम मतलब साफ करेंगे। तो चलिए देखते रहिए हमारे वीडियो। हमारे इस तरह का वीडियो अगर आप लोग देखना चाहते हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और नोटिफिकेशन बेल को ऑल करें। ये देख पा रहे हैं हम खुद का उंगली को खुद से कर रहे हैं, मतलब प्रिक देख सकते हैं, इसलिए उतना अच्छा से नहीं कर पा रहे हैं प्रिक। तो चलिए जितना भी हो सके आप लोग को दिखा देते हैं कि जितना भी जिस तरह से भी हो सकता है प्रिक करना, तो उसी तरह से हम प्रिक करके आप लोग को दिखा दे रहे हैं। देख सकते हैं ये खुद का उंगली है, इसलिए मतलब डर लग रहा है। और डर लगने के साथ साथ मतलब अपने उंगली को छेदा करने पर कितना डर लगता है, तो इसी तरह का थोड़ा थोड़ा डर लग रहा है, लेकिन हम मतलब प्रिक करके ही दिखाएंगे आप लोगों को। तो चलिए हमारे वीडियो में बने रहें, देखते रहिए इस तरह से हम करते हैं। देखिए पहले पहले तो डर लगता ही है ना, इसलिए हम देखिए ट्राई भी कर रहे हैं। देख सकते हैं आप, देख रहे हैं आप लोग कि हम ट्राई कर रहे हैं, लेकिन इस उंगली से उतना अच्छा से मतलब उतना अच्छा ब्लड नहीं है, इसलिए मतलब उतना अच्छा से यहाँ पर ब्लड नहीं निकल रहा है। तो चलिए हम ट्राई करते हैं बीच के उंगली में, मिडिल फिंगर में। तो चलिए देख सकते हैं ये मिडिल फिंगर को हम साफ कर लिए हैं। तो साफ करने के बाद हम इसको मतलब प्रिक करेंगे। तो चलिए देख सकते हैं आप लोग, हम ये देखिए मिडिल फिंगर है, और मिडिल फिंगर को हम आप लोगों को प्रिक करके मतलब ब्लड निकाल के दिखाएंगे आप लोगों के सामने। तो चलिए बने रहिए हमारे वीडियो में। तो देख सकते हैं ये देखिए ब्लड आ गया है मतलब अपने उंगलियों से। तो इसी ब्लड को हम अगर किसी भी स्लाइड में लेके मतलब इसको जांच कर सकते हैं, और जो भी कलेक्ट करने के बाद स्लाइड बनाएंगे, और स्लाइड बनाने के बाद जो भी मतलब माइक्रोस्कोप में जितना सारा जांच होता है सभी जांच इसी स्लाइड मतलब उसी स्लाइड में हो जाएगा। तो चलिए आप लोग को हम मतलब इतना ही दिखा दिए आज के लिए। आज तो हम कुछ जांच करने वाला है नहीं, लेकिन तो चलिए आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए टाटा बाय बाय। आप लोग अच्छे रहिए, स्वस्थ रहिए, और हमारे अगले वीडियो आने का इंतज़ार कीजिए।